हेलो हेलो फ्रेंड, फ्रेंड, आप आप सभी सभी का का बहुत 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 स्वागत स्वागत है है आपके आपके अपने अपने चैनल चैनल टेक टेक इसराइल इसराइल पे। पे। दोस्तों, दोस्तों, मुझे मुझे हमेशा हमेशा कमेंट कमेंट वगैरह वगैरह देखने देखने को को मिलता मिलता है है कि कि इसराइल इसराइल भाई, भाई, हमें हमें गूगल गूगल एडसेंस एडसेंस का का अप्रूवल अप्रूवल नहीं नहीं मिल मिल पा पा रहा रहा है। है। हमारी हमारी ब्लॉग ब्लॉग वेबसाइट वेबसाइट को को बार 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 गूगल गूगल रिजेक्ट रिजेक्ट कर कर रहा रहा है, है, कुछ कुछ अलग अलग यहाँ यहाँ पे पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट क्रिएट हो हो रहा रहा है। है। हमें हमें गूगल गूगल एडसेंस एडसेंस का का अप्रूवल अप्रूवल नहीं नहीं मिल मिल पा पा रहा रहा है। है। तो तो फाइनली फाइनली फ्रेंड, फ्रेंड, इस इस वीडियो वीडियो को को देखने देखने के के बाद बाद 100%100% आप आप समझ समझ पाओगे पाओगे कि कि किस किस तरह तरह से से आपको आपको गूगल गूगल एडसेंस एडसेंस का का अप्रूवल अप्रूवल लेना लेना है है अपने अपने ब्लॉग ब्लॉग वेबसाइट वेबसाइट के के लिए। लिए। अगर अगर आपको आपको गूगल गूगल किसी किसी भी भी तरह तरह का का प्रॉब्लम प्रॉब्लम बता बता रहा रहा है है तो तो आप आप उसे उसे बहुत बहुत ही ही आसानी आसानी के के साथ साथ सॉल्व सॉल्व कर कर पाएंगे पाएंगे इस इस वीडियो वीडियो को को देखने देखने के के बाद। बाद। अगर अगर दोस्तों दोस्तों आप आप लोग लोग इस इस वीडियो वीडियो को को पूरा पूरा देखेंगे देखेंगे तो तो 100%100% आप आप समझ समझ जाएंगे जाएंगे कि कि कैसे कैसे आपको आपको गूगल गूगल एडसेंस एडसेंस का का अप्रूवल अप्रूवल लेना लेना है। है। तो तो फाइनली फाइनली फ्रेंड, फ्रेंड, अगर अगर आप आप लोग लोग जानना जानना चाहते चाहते हैं, हैं, समझना समझना चाहते चाहते हैं, हैं, सीखना सीखना चाहते चाहते हैं, हैं, तो तो इस इस वीडियो वीडियो को को आप आप शुरू शुरू से से लेकर लेकर आखिरी आखिरी तक तक जरूर जरूर देखें। देखें। तो तो चलिए चलिए वीडियो वीडियो स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं। हैं। जैसा कि फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि हमने अपने लाइफ में बहुत सारे साइट को गूगल एडसेंस का अप्रूवल दिलाया है, और अभी के डेट में मैं जितने भी साइट के ऊपर काम करता हूँ, 100% मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। मैं किस ट्रिक को यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर दोस्तों आप लोग उसे सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आप मुझे कॉमेंट में ये नहीं कहेंगे कि इसराइल भाई, मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, हमारे साइट को थोड़ा सा चेक करके बताइए। गूगल की तरफ से मुझे ये ईमेल प्राप्त हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। इस तरह का कोई भी मैसेज आप नहीं करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं सिंपली दोस्तों, बहुत ही बारीकी से आप समझिए कि अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं एक बार में गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना, तो सिंपली दोस्तों जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा उसे आपको यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक डोमेन बाय करना है जो कि कस्टम डोमेन हो, कोई भी डोमेन हो, ठीक है, टीके वगैरह ये सब फ्री डोमेन को छोड़ करके। अगर दोस्तों आप लोग ब्लॉगस्पॉट के ऊपर भी अप्रूवल लेना चाहते हो तो भी दोस्तों आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके 100% ले पाओगे। सबसे पहला आप याद रखें कि आपको अपने साइट के ऊपर मेहनत करना होगा। जी हाँ दोस्तों, मेहनत के नाम पे क्या, कम से कम 10 से 12 आर्टिकल आपको पब्लिश करना है, वो आपका खुद का होना चाहिए। आपके अंदर जो भी नॉलेज है आप उसे वर्ड के माध्यम से अपने साइट के ऊपर पब्लिश करें, यानी अलग तरीके का कंटेंट होना चाहिए, 100% यूनिक होना चाहिए। कहीं से भी आप कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं करेंगे, तभी दोस्तों आप बहुत ही आसानी के साथ गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले पाएंगे। सबसे पहला प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक कस्टम डोमेन होना चाहिए। फ्री डोमेन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप फ्री में ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं विद एडसेंस के साथ, तो आप ब्लॉगर का blogspot.com के ऊपर भी काम कर सकते हैं इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद। सिंपली दोस्तों आप डोमेन यहाँ पे बाय करेंगे जो कि कस्टम डोमेन होगा, .com, .in, .org, .net, इस तरह का डोमेन आपको फ्री में नहीं मिलने वाला है। आप वर्डप्रेस या ब्लॉगर को यूज कर सकते हैं, दोनों में ये प्रोसेस काम करेगा। मैं अभी तक ब्लॉगर के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग को अप्रूवल दिला चुका हूं, और हमने भी ब्लॉगिंग जो स्टार्ट किया था शुरू शुरू में ब्लॉगर से ही हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारा बजट भी थोड़ा सा कम था। नए नए ब्लॉगर जो होते हैं, जो अभी अभी ब्लॉगिंग के फील्ड में आए हुए होते हैं, तो उनको थोड़ा सा लगता है कि भाई वर्डप्रेस वगैरह हम यूज करेंगे, वहां पे पैसा भी लग जाएगा और अर्निंग वगैरह नहीं होगी तो नुकसान हो जाएगा। तो भाई आपका सोचना भी सही है, आपको शुरुआत करना चाहिए ब्लॉगर के ऊपर। आप वहां पे सिंपली कस्टम डोमेन इस्तेमाल करें तो भविष्य में आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, जब भी आप चाहोगे तब वर्डप्रेस में मूव कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया डोमेन को छोड़ करके, बाकी बात हम करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाई आपको यहाँ पे आर्टिकल जो लिखना है, कम से कम 12 आर्टिकल लिखना है।
अब दोस्तों यहाँ पे बात रही कि आर्टिकल 12 लिख तो रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे आपको हेडिंग का इस्तेमाल करना है, सब टाइटल का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना है जो इजी वे में लोग पढ़ के समझ सके। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि उसे गूगल भी नहीं समझ पा रहा है, कहीं से भी मान लीजिए आप स्पिन बूट कर लेते हैं और वहाँ पे अपने साइट के ऊपर 100% यूनिक आर्टिकल पब्लिश कर लेते हैं तो इससे भी काम नहीं बनने वाला है। पहले होता था लेकिन अब नहीं होने वाला है, ठीक है। इस तरह के साइट को गूगल स्पैम समझता है और उसको रैंकिंग भी नहीं देता है। तो सिंपली दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 100% यूनिक आर्टिकल आपको यहां पे लिखना है, जो भी आपको आता है उसे आप वर्ड के माध्यम से अपने साइट के ऊपर पब्लिश करें और अच्छी तरीके से सजा के। अब दूसरा चीज है दोस्तों कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इमेज हम कहाँ से लाएं, तो सिंपली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इमेज आप खुद से क्रिएट करें पिक्स आर्ट या पिक्सल लैब का इस्तेमाल करके। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता ही होगा पिक्स आर्ट और पिक्सल लैब बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप तरह तरह के इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो अपना खुद का आप इमेज क्रिएट करें और अपने साइट का टाइटल जो है अच्छी तरीके से सजेस्ट करें और कहीं से भी आप कॉपी नहीं करें। कहने का मतलब है कि आर्टिकल बहुत अच्छे ढंग से आपको सजाना है, उसके बाद उसमें जो आप इमेज वगैरह इस्तेमाल करेंगे कहीं से भी कॉपी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बात आता है कि साइट का कस्टमाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल दिलवाने में। सिंपली दोस्तों अगर आप जैसे तैसे आर्टिकल पब्लिश कर लेते हैं, 10 आर्टिकल 15 आर्टिकल पब्लिश कर लेते हैं, वहाँ पे आपका साइट फुल्ली कस्टमाइज नहीं रहता है तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे एक कस्टम थीम का इस्तेमाल करना है या नहीं तो आप थीम को एडिट करके उसे अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन के नाम पे आपको कैटेगरी वाइज सारे मेन्यू को कैटेगरी वाइज करना है, थीम के अंदर जो भी गैजेट होता है उसका सही लिंक वहां पे देना है। जैसे सोशल मीडिया का जितना भी आइकॉन होगा उसके ऊपर आपको अपना सोशल मीडिया का लिंक देना है और साथ ही साथ दोस्तों आपको अबाउट मी पेज को यहां पे क्रिएट करना है, पॉलिसी एंड प्राइवेसी को आपको यहां पे क्रिएट करना है, डिस्क्लेमर अगर क्रिएट नहीं भी करते हैं तो कोई भी बात नहीं है। ये सारा चीज आपको 100% करना है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये सब सारा प्रोसेस 3 से 4 दिन के अंदर कर देते हैं, ठीक है, सपोज डेट मानते हैं कि आप कर लेते हैं, बहुत जल्दी आप यूट्यूब पर सीख चुके हैं कि ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनाना है, इजी वे में आप बना सकते हैं और आर्टिकल वगैरह भी लिख लिए आप और पब्लिश भी कर लिए, तो बहुत सारे दोस्त हमारे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ब्लॉगर के ऊपर साइन अप बटन देखने को नहीं मिलता है तो हम गूगल एडसेंस के लिए कैसे साइन अप करें। कुछ लोग यहाँ पे कॉमेंट ये भी करते हैं कि इसराइल भाई हमारे साइट पे कितना ट्राफिक होगा तो हम गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको साइन अप बटन नहीं भी है तो डायरेक्टली आप गूगल एडसेंस के साइट के ऊपर जाके वहां पे साइन अप कर सकते हैं, अपने साइट का लिंक वगैरह डाल करके आप वहां से गूगल एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे बात रही कि अगर आपके साइट के ऊपर 5 दिन में 500 भी विजिटर नहीं आए तो क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि गूगल एडसेंस या गूगल कभी भी नहीं कहता है कि गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई जब भी करो आप, आपके साइट के ऊपर ट्रैफिक आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके साइट के ऊपर 50 विजिटर भी अगर नहीं आए हैं तो भी आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गूगल का काम है कि आपके साइट के ऊपर विजिट करना, रिव्यू करना, आपके साइट को अच्छी तरीके से देखना कि उसके पॉलिसी को वॉलेट तो नहीं कर रहा है, कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का गलत चीज तो आपके साइट के ऊपर नहीं है, वो सब सारा कुछ वहां पे देखता है। आपके साइट को अच्छे तरीके से कस्टमाइज किया गया है या नहीं किया गया है, आप अपने साइट के ऊपर किस तरह का थीम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका जो भी कंटेंट है उसके ऊपर गूगल का एड दिखाया जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये सब सारी चीज वो देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि आपके साइट के ऊपर ट्रैफिक आता है या नहीं आता। मैं आपको बता दूं कि एक साइट था हमारा, ठीक है, जो कि हिस्ट्री पे था और शुरू शुरू में हमने वहां पे उसे क्रिएट किया था और उसके ऊपर मात्र लगभग 30 से 40 विजिटर ही था, लेकिन हमने उस साइट को पूरी तरीके से कस्टमाइज किया था और वहां पे यूनिक आर्टिकल लिखा था। अब आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं कि आर्टिकल अगर आपका हिंदी में है या इंग्लिश में है उससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर दोस्तों आपका आर्टिकल आधा हिंदी में है आधा इंग्लिश में है, थोड़ा सा इंग्लिश में है, उससे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन
लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आपका आर्टिकल लोगों को समझ में आना चाहिए और आपका आर्टिकल हेल्पफुल होना चाहिए, तभी दोस्तों आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो जो हिस्ट्री वाला साइट जो था हमारा, उसके ऊपर मात्र 30 विजिटर था, तो भी दोस्तों मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला था, वो भी मात्र 4 से 5 दिन के अंदर। पहले दोस्तों गूगल एडसेंस का अप्रूवल जो है तुरंत मिल जाता था, 24 से 48 घंटे में रिप्लाई आ जाता था गूगल एडसेंस की तरफ से भाई कि आपको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अभी के डेट में मिनिमम यहां पे 7 दिन आपको वेट करना होता है। अब दोस्तों यहां पे बात रही कि कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमने सब सारा प्रोसेस यहां पे कंप्लीट कर लिया है, गूगल एडसेंस के लिए भी हमने अप्लाई कर लिया है, लेकिन गूगल की तरफ से मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब तक नहीं आपको गूगल एडसेंस की तरफ से कोई भी रिप्लाई आता है, तब तक आपको एक दिन छोड़ के दूसरे दिन अपने साइट के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश करना है। आर्टिकल का जो होगा वर्ड वो कम से कम आपका 500 वर्ड होना चाहिए। 500 वर्ड से ऊपर रहा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 500 वर्ड से नीचे है, अगर आप 250-300 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हैं, तो अपने साइट के ऊपर कम से कम 25 आर्टिकल आप पब्लिश करें, तभी आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करें। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक दिन के बाद एक दिन आप अपने साइट के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करेंगे, गूगल ये भी देखता है कि ये साइट एक्टिव है या नहीं है। अगर दोस्तों आप लोग कंटिन्यू यानी अपने साइट के ऊपर पोस्ट पब्लिश करते रहेंगे तो गूगल देखता है कि भाई ये साइट एक्टिव है और इसका सब कुछ सही है, तो आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाता है और आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाता है। हमने इस प्रोसेस को फॉलो करके 2018 से 19 के बीच में लगभग 1500 से 2000 गूगल एडसेंस अकाउंट को हमने पर्सनली अप्रूव कराया है और हमने बहुत सारे लोगों को गाइड भी किया है, बहुत सारे लोगों के साइट को रिव्यू भी किया है और हमने उनको जो भी बताया उसको उन्होंने फॉलो किया और उनको भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। तो फ्रेंड बस यही बताना था, क्योंकि बहुत ऐसा मुझे यहाँ पे कमेंट और ईमेल देखने को मिलता है, लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह मुझे शेयर करते रहते हैं ईमेल के माध्यम से कि इसराइल भाई मुझे अप्रूवल नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मूवी डाउनलोडिंग साइट या ऑटो ब्लॉगिंग या आपका किसी भी तरह का एंटीवायरस वगैरह मान लीजिए आप अपने साइट के ऊपर बता रहे हैं, तो भाई इस तरह के साइट को गूगल कभी भी अप्रूव नहीं करता है। आपको सिंपल आर्टिकल वाला साइट यहाँ पे सबसे पहले तो क्रिएट करना है, उसके बाद दोस्तों आप लोग एकाध पोस्ट कुछ इस तरह का डाल सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड हमने आपको यहाँ पे डीपली समझाया कि किस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर। तो फाइनली फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ याद से शेयर कर दें, और इसी तरह का वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।